Hello, good evening everyone. हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? सो जो लोग भी ज्वाइन करेंगे वो लोग प्लीज कमेंट कर देंगे साथ साथ कि मुझे पता चले कौन कौन ज्वाइन कर चुका है. आई विल वेट फॉर योर मैसेज. हेलो नीरजा मैम, वेलकम टू द लाइव. यू आर द फर्स्ट वन टू ज्वाइन. थैंक यू. ओके, सो जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे. नंबर वन, नंबर टू जो पिन नंबर है उस पे एक थम्स अप दे देंगे, एक लाइक का बटन प्रेस कर देंगे ऑन द गिवन नंबर, जो नंबर मेंशन है उसके ऊपर. ओके, हेलो सुनिशा मैम, वेलकम टू द लाइव. हेलो, आई एम डॉट ऑन टाइम टुडे. वेरी गुड, शाबाश. सो जो पिन नंबर है उस पे एक लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर, ये दो काम जल्दी ज्वाइन करने वालों के लिए मैंने असाइन किए हैं. सो जल्दी जल्दी कर दो उसको. ओके, आज तो वाकई इट्स अ सरप्राइज फॉर मी कि आज सुनिशा जो है वो लाइव में, वो भी ऑन टाइम, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर टू ज्वाइन द लाइव. वैसे फर्स्ट मीरजा मैम आ गई हैं, लेकिन तुम्हें भी हम उसी कैटेगरी में काउंट कर लेंगे. ओके, सो और लोग भी जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं प्लीज वो हेलो हाय या कुछ कमेंट करेंगे लिंक जब तक शेयर हो रहा है तब तक. मैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो हेलो, गुड इवनिंग एवरी वन. आई एम सारिका एंड ब्रांड नेम इज सारंग वस्त्र. सो आज का जो ये लाइव है ये आप लोगों को नोटिफिकेशन में भी पता चल गया होगा कि इट्स मतलब क्या कहना चाहिए, नेवर सीन बिफोर. सारी चीजें ऐसी दिखाएंगे विच यू हैव नेवर सीन बिफोर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. लाइक वी आर गोइंग टू शो यू सम ब्यूटिफुल कॉटन अजरक हैंड ब्लॉक्ड कुर्ताज इन ऑल द साइजेस एंड देट टू विद मिरर वर्क. इसके ऊपर ऐसी मिरर की एम्बेलिशमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी. ये देखो ऐसे इस तरह से. देन वी हैव मिरर ऑन द स्लीव्स ऑल्सो. स्लीव्स जो है वो भी ऐसे हाईलाइटेड हैं और पूरा हैंड ब्लॉक्ड होगा कुर्ता. एंड जो कुर्ते का नीचे का पोर्शन है यहाँ पे भी आपको ऐसे बॉर्डर मिलेगा. सो दिस इज कुर्ता जो है वो अपने आप में एक डिजाइनर पीस होगा. एंड यू लव द फैब्रिक, यू लव एवरीथिंग. सो हैंड ब्लॉक्ड है इसलिए एक दो चीजें मैं आपको आपको रिमाइंड करवा दूं. जो लोग लाइक जिन्होंने अजरक कभी नहीं पहना है या अगर अजरक पहना भी होगा तो पावर लूम अजरक पहना है, उनको उनके लिए मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अजरक जो है उसमें आपको कहीं ना कहीं स्पिलेज, कोई छीटा कलर का ये सब आपको देखने को जरूर मिलेगा, तभी वो ऑथेंटिक अजरक है. अगर उसमें ऐसा इस तरह से आपको कोई भी निशान मिलता है, या जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि अगर ये मान लो ये एक ब्लॉक है, सो इस ब्लॉक में अगर इस ब्लॉक का जब ब्लैक उसको करते हुए अगर कोई एक छोटा सा ड्रॉप कहीं दूसरी जगह पे पड़ जाएगा तो वहां पे आपको एक छोटा सा उसका ड्रॉपलेट दिखेगा. और यही ऑथेंटिसिटी है कि आपने हैंड ब्लॉक्ड अजरक वेयर किया हुआ है या फिर आपके पास एक हैंड ब्लॉक अजरक का पीस है. और वो मतलब ये क्या कहना चाहिए कि इट्स अ प्राइड की बात है कि आपने इस तरह का कोई पीस पहना हुआ है. तो ये एक बहुत ही मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि जो हैंडलूम लवर्स हैं उनके लिए ये एक प्राइड है कि हमने एक हैंडलॉक पीस
वेयर किया हुआ है, ठीक है। सो दूसरी बात, ये कॉटन है और क्वालिटी ऑफ द कॉटन इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वालिटी है कॉटन का। देन कलर, एवरीथिंग इज टू गुड। अजरक में ये भी आपको याद रखना है कि ये क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कलर्स से बनाए जाते हैं, आप सबको पता ही होगा कि अजरक जो है वो गुड़ से, मतलब जो अलग अलग कलर्स उसके बनते हैं, इंडिगो जो बनता है वो इंडिगो प्लांट से बनता है, जो रस्ट कलर बनता है वो रस्ट से बनता है, देन जैगरी से बनता है, इसी तरह से सारे नेचुरल कलर्स यूज किए जाते हैं, येलो कलर जो है वो हल्दी से बनता है। सो उसी तरह से सारे नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है। इसलिए आप अगर ऐसा चाहो कि बहुत वाइब्रेंट कोई कलर होगा, लाइक आप अगर कहो कि इसमें हॉट पिंक कलर होगा, सो वो नहीं हो सकता है, उसके लिए फिर केमिकल कलर्स का यूज किया जाता है। और ये जितने भी हम शोकेस कर रहे हैं अभी आपको आज, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कलर्स और सारे ही आपको पहन के बहुत अच्छा लगने वाला है। हेलो शिखा बंसल मैम, ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा मैम काम होता है ये बताना, बिकॉज जिन लोगों को अजरक के बारे में आइडिया नहीं है उनको बताना जरूरी होता है। ओके, सो वील स्टार्ट द लाइव विद द पीस विच आई एम वेयरिंग। हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं। जो भी कुर्ताज मैं शोकेस करूंगी जो स्मॉलर साइज के होंगे उनका प्राइस विल बी 1380 एंड शिपिंग विल बी 100। ये स्टिच कुर्ता है विद मिरर वर्क, सो प्राइस विल बी 1380 एंड शिपिंग विल बी 100 रुपीज। आप इसको इस तरह की किसी भी लेगिंग के साथ, जैसे आप ये देख रहे हो मैंने पहनी है, इस तरह की किसी भी आप लेगिंग हो गई, कोई बॉटम हो गया, पैंट्स हो गई, उसके साथ पैंट्स के साथ आप उसको वेयर कर सकते हो। आपको अगर साथ में स्टिच पैंट्स चाहिए तो वी हैव फ्यू ऑप्शंस इन दैट आल्सो, कॉटन की पैंट्स भी अवेलेबल हैं, हम वो आपको बाद में बता देंगे। हेलो मैम, आई मिस्ड यस्टरडे मल्टी कलर्ड भुजोड़ी स्टोल, रिस्टॉक होंगे? हाँ मैम, बनने के लिए मैम दिए हैं, सो वो बन के जब आएंगे आपको पक्का पता चल जाएगा। एंड इस बार से मैं ये भी बता दूं कि हमने जो भुजोड़ी के स्टोल सेल करे थे, मतलब आप लोगों को शायद ये सोच के भी हंसी आएगी कि वो क्या कहते हैं गलत प्राइसेस पे सोल्ड हो गए, लेकिन अब जो बन के आएंगे वो सारे रिवाइज्ड प्राइसेस पे बन के आएंगे, बिकॉज हमने जिस उस पे उसे परचेज भी नहीं किया था उस पे उसको सेल कर दिया। सो एक तो वो जितने पीसेस थे ऑल द पीसेस वर सोल्ड लाइक हॉट केक्स, दूसरा अब जब बन के आएंगे तो उसमें 300-350 रुपीज एडिशनल आपको लगेगा। हमें वीवर का फोन आया, उसने हमें डांटा, मैम आपने ये क्या किया, आपने स्टोल्स की जो एक्चुअल कॉस्ट थी उससे भी कम पे उसको सेल कर दिया। एनीवेज चलो हम शुरू करते हैं लाइव को, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, देन वील स्टार्ट विद द कुर्ता विच आई एम वेयरिंग। इट्स अ ब्यूटिफुल, यू कैन से रस्टिश रेड कलर, मतलब रेडिश मेरून कह सकते हो आप इसको, रस्ट तो नहीं है इसमें कुछ। सो ये बहुत ही प्यारा सा रेडिश मेरून कलर का है, इसकी ब्लॉकिंग आप देख सकते हो, these are hand done, ये सारा हैंड ब्लॉक है। सो ये इस तरह से इस पे पूरी ब्लॉकिंग की गई है। दिस इज साइज स्मॉल, ये साइज स्मॉल है, सो दिस इज पीस नंबर 1, साइज स्मॉल है और लुक आप इसकी मेरे वाले को देख के भी समझ जाओगे। हेलो मुमताज मैम, वेलकम टू द लाइव। सो ये देखो, ये है इसके जो स्लीव्स हैं उनके ऊपर उन्होंने मशरू का ये पैच लगा के देन दे हैव डन द मिरर वर्क, उसके ऊपर मिरर्स जो है वो बहुत अच्छे क्योंकि सेट होते हैं। सो अगर आपने मशरू का भी हमसे लेके पहना होगा, सो यू मस्ट बी नोइंग द क्वालिटी ऑफ मशरू वी गिव एंड द क्वालिटी ऑफ द मिरर वर्क प्लेसमेंट वी डू। हाय हिमांशी, वेलकम टू द लाइव, सो गुड टू सी यू। क्या बोल रही हिमांशी, फैब्रिक भी दिखा दो। हाँ जी बिल्कुल दिखाएंगे फैब्रिक भी, मैं लास्ट में आपको अनस्टिच कुर्ताज भी शोकेस करूंगी स्पेशली फॉर हिमांशी, ठीक है। सो दिस इज पीस नंबर 1, दिस इज स्मॉल साइज। अब मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ देती जाती हूँ। सो हेलो पापा, वेलकम टू द लाइव। शिखा मैम, ब्लू कलर ब्लीड तो नहीं करेगा? मैम जो ये वाला ब्लू कलर है, मैं अभी आपको यही बता रही थी, ये मशरू है, सो मशरू क्योंकि सिल्क फिनिश का होता है तो ब्लीड नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा। बट जो फैब्रिक है ये क्योंकि आपको मैंने बताया ये नेचुरल कलर से बनते हैं, तो चाहे बाग हो या फिर अजरक हो उसमें से ये कलर नहीं निकलता है, बट एक पर्टिकुलर ब्राउन सा कलर है जो निकलता है। बट उसकी वॉश केयर इंस्ट्रक्शन ज्यादा ऐसी खास कुछ नहीं है, एक्सेप्ट आप इसको फर्स्ट टाइम नमक के पानी में डिप करिएगा, वो जरूर कर लेना चाहिए, उससे उसकी थोड़ी सी एक तो निखर जाता है फैब्रिक और थोड़ा सा कलर जो है वो निकलता नहीं है उसका। ओके, सो हेलो लता मैम, मटेरियल इज कॉटन मैम, प्योर कॉटन के मैं कुर्ताज आपको शोकेस कर रही हूँ विद
embellished with these hand done mirror. ये सारे हाथ से लगे हुए मिरर हैं और ये कपड़े के ऊपर लगाए गए हैं. ऐसा नहीं है कि ये पट्टी लगा के चिपकाई गई है, ये इसके ऊपर इसका काम किया गया है. सो दिस इज पीस नंबर वन. पीस नंबर वन जो मैं स्मॉल मीडियम कहां तक लार्ज तक साइजेस का प्राइस स्मॉल मीडियम एंड लार्ज हाँ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज जो साइज होगा दैट इज फॉर 1380 एंड शिपिंग विल बी 100 रुपीज. देन उसके ऊपर वाला जो साइज है दैट इज एक्सेल डबल एक्सेल 3XL वो वाले जो साइजेस होंगे उनका प्राइस 100 रुपीज ज्यादा होगा दैट इज 1480. तो 1380 एंड 1480 बहुत रीजनेबल प्राइसेस रखे गए हैं. हेलो नबीला मैम वेलकम टू द लाइव. 46 साइज बिल्कुल है मैम, 46 साइज भी मैं आपको दिखाऊंगी. सो दिस इज साइज स्मॉल, ये साइज स्मॉल है एंड द प्राइस इज 1380, शिपिंग विल बी 100 पैन इंडिया. ये इसकी स्लीव्स हो गई. नीचे का भी मैं पोर्शन आपको एक बार दिखा देती हूँ. ये देखो ये पूरा इसके घेर पे इस तरह से ये इंडिगो से इसकी पूरी हाईलाइटिंग की गई है. ये है कुर्ते की बैक साइड, बहुत स्मार्ट कुर्ता है. मैं लेंथ और वो सब भी आपको बता देती हूँ. कुर्ते की लेंथ इज 46 to 47 inches. कुर्ते का जो साइजेस है मैं उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगी. लाइक जो स्मॉल साइज है उसमें बताना वो स्मॉल साइज का. स्मॉल साइज में चेस्ट विल बी 38, देन हिप इज 42 एंड वेस्ट इज 40. वेस्ट इज 40. सो लेंथ सबकी सेम है 46 to 47 inches. सबकी लेंथ यही रहेगी और साइज के अकॉर्डिंगली मैं आपको चेस्ट का और हिप एंड उसका साइज बताती रहूंगी. अच्छा स्मॉल साइज हो गया, नाउ वी कम टू मीडियम साइज. ये है मीडियम साइज, बिल्कुल सेम है. मैं सबका डिजाइन खोल के आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि डिजाइन सबका सेम है, नहीं तो आप मेरा वाला भी पीस देख सकते हो. मैंने जो पहना हुआ है यही डिजाइन मैं आपको अभी शोकेस कर रही हूँ. कलर आई मीन यही और ब्लॉक भी यही वाला मैं शोकेस कर रही हूँ. ठीक है. सो द प्राइस ऑफ दिस इज मीडियम साइज जो है इसका भी प्राइस इज 1380, शिपिंग इज 100 रुपीज पैन इंडिया. साइज मीडियम. अब साइज मीडियम जो है उसका चेस्ट साइज इज जस्ट अ मिनट. हाँ चेस्ट साइज इज 38, वेस्ट साइज इज 40 एंड हिप साइज इज 44. हिप साइज इज 44, 42 एंड 44 के बीच में. तो जो भी आपका साइज है उससे आप, मैं ऐसा मतलब आपको वो करूंगी कि आप अपने साइज से एक साइज बड़ा ही लेना, क्योंकि क्या होता है ये अभी आपको पता है समर्स है तो थोड़ा सा इसको एंटी फिट पहनोगे ना तो ये ज्यादा स्मार्ट लगेगा. ये रीजन है कि एक साइज बड़ा लेना ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, मैं जैसे जिसको साइज 46 कहूंगी सो गो फॉर साइज 48. जैसे नबीला मैम कह रही हैं कि उन्हें 46 साइज चाहिए तो मैम आप 48 साइज ले लीजिएगा. ओके सो दिस इज साइज मीडियम. साइज मीडियम मीन्स स्मॉल इज 36 देन 38. सो ये 38 साइज है. दिस इज साइज 38 एंड मीडियम साइज है. 1380, शिपिंग विल बी 100 पैन इंडिया. नाउ वी कम टू साइज लार्ज. ये साइज लार्ज है. साइज लार्ज का जो चेस्ट साइज है दैट विल बी मैं बता रही हूँ. साइज लार्ज जो है 38, 40 के बीच में. ओके सो जो लोग मीडियम साइज पहनते हैं ना आप लोग साइज लार्ज लेना. ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको इस जगह पे भी देखो इस तरह से वो लूज होगा ना, वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा कंपेयर टू कि आप अगर वो बिल्कुल फिट वाला पहनना चाहो उससे ज्यादा अच्छा है कि स्लाइटली लूज ले लेना. तो जो स्मॉल पहनता है वो मीडियम ले ले, जो मीडियम पहनता है वो लार्ज ले ले, जो लार्ज पहनता है वो एक्सेल ले ले, जो एक्सेल पहनता है वो डबल एक्सेल, जो डबल एक्सेल पहनता है वो 3XL और 3XL वाले 4XL. सो आप इसके अकॉर्डिंगली साइजेस मेरे पास सारे मैं आपको दिखाती जाऊंगी, आप उसके हिसाब से. लेंथ मैंने मैम बता दी है, सब कुर्तीज की लेंथ 46.5 है, पूरी प्रॉपर लेंथ है. आप देखो मैं 47 लेंथ पहनती हूँ, मैंने अभी 47 ये देखो ये जो लेंथ पहनी है ये पूरी प्रॉपर है. माय हाइट इज 5'4", सो उसके अकॉर्डिंगली आप सोच लो कि लेंथ आपकी इसी तरह से आएगी. और आई थिंक 47 से ज्यादा लंबाई कुर्ते में कोई नहीं पहनता है. सो ये साइज लार्ज है बट साइज मीडियम वाले इसको ले सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन. दिस इज साइज, वो लार्ज हो गया, अब ये आया साइज एक्सेल. साइज एक्सेल तो साइज लार्ज वाले एक्सेल वाले बुक करेंगे. ठीक है, लेंथ सबकी मैं बताती जा रही हूँ. 47 इंचेस लेंथ होगी कुर्ते की, सो आप आराम से इसको बुक कर सकते हो. और अगर आपको जिन्हें थोड़ा शॉर्ट बनवाना है सो आप उसको नीचे से फोल्ड करा के भी, या फिर आप अगर बॉर्डर भी रखना चाहते हो तो इसको कट करके इसको थोड़ा सा ऊपर लगवा सकते हो अपने टेलर से, ये भी आप कर सकते हो. नाउ दिस इज साइज 2XL.
दिस इज साइज 2XL, तो साइज XL वाले इसको 2XL को ले लेंगे। अच्छा 2XL वाले की जो प्राइस है दैट इज 1480, गलत लिखा है, 1480 2XL वालों का साइज होगा। सो 2XL का मतलब XL साइज, ठीक है। सो XL जो लोग लेते हैं वो 2XL को बुक करेंगे। आप अपनी बुकिंग उसके अकॉर्डिंगली सेंड करते जाना है। हाँ आई टेल यू हाउ मेनी मिरर आर मिरर। हाँ तो ठीक है, मैं अपना ही कुर्ता गिन के भी बता दूँ। नहीं मैं यही बता देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और उसके बाद स्लीव्स में अलग 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 सो 26 प्लस इधर भी 6 हो गए, मतलब 35 तो मिनिमम है मिरर जो कुर्ते के ऊपर लगाए गए हैं। कुर्ता स्टिच्ड है, कुर्ते का फैब्रिक है और वो भी आपको 1380 में मिल रहा है। सो ये एक स्टील डील है, सो प्लीज ग्रैब कर लेना जल्दी जल्दी। सो अपने अपने साइजेस के अकॉर्डिंगली आप कुर्ता बुक कर सकते हो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कलर। नाउ नेक्स्ट कलर इज मस्टर्ड। मस्टर्ड कलर बहुत ही प्यारा सा। अब मस्टर्ड कलर जो पहनते हैं, जो ज्यादा पसंद करते हैं, ब्लॉक वही है जो मैंने पहना हुआ है और अभी आपको दिखाया भी था। दिस इज मस्टर्ड विद ग्रीन कलर। यहाँ पे ग्रीन कलर का पूरा फैब्रिक लगा है और ये पूरे मिरर लगे हैं इसमें। स्लीव्स पे भी पूरे मिरर लगे हुए हैं, ओके, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों पे। और फिर इसका जो नीचे घेर वाला पोर्शन है उस पे इस तरह से पूरा ये दिया, फैब्रिक दिया गया है। ये देखो दिस इज, ये साइज क्या है, दिस इज साइज, इसे आप स्मॉल काउंट करो। ये मीडियम है तो स्मॉल वाले इसको ले लेंगे। अच्छा जो स्मॉल वाले लाइक जो एक्स्ट्रा स्मॉल पहनते हैं ना वो लोग स्मॉल साइज ले लेना। इस तरह से आप उसको डिफरेंशिएट करके ले सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ब्लॉक में एक बार क्लोज भी आपको इसका दिखा देती हूँ। बहुत ही स्मार्ट ब्लॉक है, सुंदर ब्लॉकिंग की गई है। आप देखो ब्लॉकिंग में कितनी सुंदरता है। सो दिस इज साइज M, द प्राइस इज 1380। हाँ मैंने दिखा है 1380, प्राइस जो है वो 1380 है और जो साइज जो एक्सेल से ऊपर होंगे दैट विल बी 1480, ठीक है। ये देखो ये इसका घेर का पोर्शन है। सो ये हो गया मतलब सेट नंबर 2 कह सकते हो आप इसको, वो सेट नंबर 1 था। सो आपको जब बुकिंग करानी है यू हैव टू राइट के बुक साइज दिस फ्रॉम सेट नंबर 1 और आप एक स्क्रीनशॉट भी भेज दोगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यू वांट दिस कलर, यू वांट दिस कलर, या फिर अब मैं अगला कलर शोकेस करूंगी वो वाला आप देख सकते हो। सो दिस इज सेट नंबर 2। इसमें भी सारे साइजेस हैं, टिल 4XL साइजेस हैं, आप लोग आराम से बुक करा सकते हो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। दिस इज अ ब्लैक कुर्ता, ओके, आई शो यू एंड ओपन एंड शो यू दिस कुर्ता। इसमें ये देखो बहुत स्मार्ट है, ब्लैक के साथ मरून की पूरी हाइलाइटिंग है और पूरा मिरर वर्क है। ये देखो इस तरह से, एंड दिस इज हाउ द ब्लैक वन विल लुक। बहुत स्मार्ट लगेगा। आप इसे हील्स के साथ पहनो, जूतीज के साथ पहनो, किसी भी साइड किसी भी तरह जीन्स के साथ भी आप इसे पहन सकते हो, पैंट्स के साथ पहन सकते हो। ये हर तरीके से बहुत स्मार्ट लगने वाली है और आप पहन के आराम से इनको गर्मी भर इनको यूज करो, धो पहनो, इन्हें कुछ होने वाला नहीं है, एज इट इज रहेंगी। अजरक और बाग, मैं हर बार बताती हूँ कि अजरक और बाग ये दो ऐसी आर्ट फॉर्म्स हैं, इनको 8 times यानी 8 बार इनको रेडी होने से पहले वॉश किया जाता है। सो इस कपड़े को कभी कुछ नहीं होता है। ये फाइनेस्ट क्वालिटी कॉटन है, आपको पहन के बहुत मजा आएगा। सो दिस इज सेट नंबर 3, है ना, सेट नंबर 3 और ये भी स्मॉल से लेके आपको 4XL तक अवेलेबल है। नाउ सेट नंबर 4, ये भी बहुत स्मार्ट कलर है। पहले मैंने यही कलर पहनने का सोचा था। ये देखो वेरी वेरी स्मार्ट कलर, ये देखो बहुत ही डिफरेंट कलर है। अब आपको ये थोड़ी थोड़ी स्पिलेज देखो इसमें यहाँ दिख रही होगी, ठीक है, कुर्ते पे आपको यहाँ दिख रहा होगा। सो ये कुछ भी नहीं है, आप इसको एक बार नमक के पानी से निकालोगे। करने को मैं भी आपको ये करके दे सकती हूँ बट फिनिश्ड कुर्ती है, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। आप इसको एक बार नमक के पानी में डिप करो, उसको निकालो, नॉर्मल पानी में डिप करो और इसको ड्राई होने के लिए शेड में सुखा दो और ये जो भी आपको ऐसा थोड़ा भी कहीं स्पिलेज इसका दिख रहा है वो सब चली जाएगी, ठीक है। सी दिस, इट्स अ वेरी स्मार्ट पीस। बहुत ही डिफरेंट शेड है और ब्लॉकिंग जो है वो येलो कलर से इसमें की गई है। बहुत ब्यूटीफुल लाइट येलो कलर से ब्लॉकिंग है इसकी, ठीक है। दिस इज सेट नंबर 3, सेट नंबर 4। सबसे पहला था ये मैंने जो पहना है, देन मस्टर्ड, देन ब्लैक,
नाउ दिस इज माउस कलर. ये है सेट नंबर 4. सो सेट नंबर 4 में भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, 3XL, 4XL, ये सारे साइजेस अवेलेबल हैं. सो आप जो आपका साइज है उससे नेक्स्ट साइज ही लेना, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ. सो चेस्ट भी, हाँ, सो जो भी अगर जैसे लेना चाहे तो यू कैन मेजर योर चेस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए. आप ये भी कर सकते हो अपनी चेस्ट मेजर करके, तब भी आप बता सकते हो कि आपको कौन सा साइज जो है वो सूटेबल है. बट मेरी आप मानना, तो मैंने क्योंकि आपको साइजेस बता दिए हैं कि चेस्ट साइज क्या होगा. लाइक मैंने जैसे ये साइज एम है, तो मैंने आपको उसका बताया था कि एम साइज का जो चेस्ट साइज है वो 36 है, और जो वेस्ट साइज है दैट इज लार्ज का भी बता सकते हो. हाँ. लार्ज का जो वेस्ट साइज है दैट इज लार्ज का है, चेस्ट साइज इज 38. हाँ, लार्ज का चेस्ट साइज 38, हिप साइज इज 42 एंड वेस्ट साइज इज 40. 46. हाँ, सो आप उसी तरह से अपनी बुकिंग हमें भेजिएगा. ठीक है, चेक दिस, वेरी वेरी स्मार्ट कलर, बहुत डिफरेंट और बहुत स्मार्ट कलर है. ओके, ये है इसकी स्लीव्स. ये हो गया सेट नंबर 4. मतलब मैंने आपको ये वाला पहले कलर दिखाया, देन आई शोड यू मस्टर्ड कलर, फिर मैंने आपको ब्लैक दिखाया, फिर माउस कलर. अब ये हम आते हैं फिफ्थ कलर पे. दिस इज इंडिगो ब्लू. ये इंडिगो ब्लू है, ये देखो, ये भी बहुत स्मार्ट है. सारे ही शेड्स बहुत डिफरेंट और बहुत स्मार्ट है. आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो शेड आपको अच्छा लगे आप वो बुक करो. देखो कितना प्यारा लग रहा है. चेक, ठीक है, गो फॉर इंडिगो ब्लू, कोई भी ले सकते हो आप. सो इसमें भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, 3XL, 4XL तक साइजेस अवेलेबल हैं. और प्राइसेस जैसे मैंने आपको बताया, साइज एक्सेल तक 1380 रहेगा, डबल एक्सेल, देन 3XL, 4XL का 100 रुपीज ज्यादा है, सो 1480 रहेगा. शिपिंग विल बी 100 रुपीज पैन इंडिया. और ये हमने खुद रेडी करवाई है, दीज आर नॉट फैक्ट्री मेड. सो ये आपको बहुत अच्छा, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है. बुक माइन मैम, आप जो नंबर है गिवन 8368549547, यू कैन सेंड योर बुकिंग विद योर साइज ऑन द गिवन नंबर. ठीक है, सो आपको वहां पे बता देंगे किस तरह से आपको बुक करना है. सो आप वो बुक नंबर जो है सेव कर लो सारंग वस्त्र के नाम से, एंड देन यू कैन सेंड योर बुकिंग. हेलो कुसुम मैम, वेलकम टू द लाइव. आजकल तो आप लाइव पे ही दिखाई देती हैं. ओके, सो दिस इज सेट, क्या था, 5, सेट 5. और इसमें भी सारे साइजेस हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, 3XL, ये सारे साइजेस हैं इसमें भी अवेलेबल. नेक्स्ट, ये अब इसके सारे कलर हमने दिखा दिए, ये भी फिर दिखा दिए. हाँ, ग्रीन ग्रीन रहेंगे. अच्छा, ओके, नाउ दिस इज द लास्ट कलर व्हिच आई एम गोइंग टू शोकेस. दिस इज लवली ग्रीन कलर, सी दिस, बहुत स्मार्ट ग्रीन विद मस्टर्ड येलो, वेरी वेरी स्मार्ट शेड, सी दिस, बहुत ही स्मार्ट है. ग्रीन विद मस्टर्ड येलो, इसमें भी सारे साइजेस अवेलेबल है. गो फॉर एनी ऑफ देम, जो आपको अपने लिए, जो साइज आप पहनते हो उससे एक साइज बड़ा लेना. ठीक है, बस ये इसका रूल है और कुछ नहीं. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइज आपके पास जाए फिर आपको, मैम ये तो टाइट था, मुझे तो थोड़ा लूज चाहिए था. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बुकिंग कराएंगे ना तो आपको भी कन्वीनियंट रहेगा. वैसे इसमें थोड़ा मार्जिन दिया गया है, आप उसको खुलवा के मार्जिन को भी खुलवा सकते हो. आप थोड़ा सा मार्जिन उसमें दिया है, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल दिस थिंग्स, इट्स बेटर यू गो फॉर अ बिगर साइज. लाइक इफ यू वियर साइज एम, गो फॉर एल, इफ यू वियर एल, गो फॉर एक्सएल. इस तरह से आप अपनी बुकिंग कराइएगा. ठीक है, सो ये भी उसी तरह से है, टिल साइज एक्सएल इट इज 1380, फ्रॉम डबल एक्सएल, 3XL, 4XL, साइज विल, प्राइस विल बी 1480 प्लस 100 रुपीज शिपिंग. ओके, ये हो गए. अब मैंने ये सारे दिखा दिए. नाउ कम्स द काफ्तान. अब मैं आपको एक बहुत ही डिजाइनर काफ्तान दिखाने वाली हूँ. ये देखो, पहले इसके नीचे के वो ब्लॉक्स देखो आप, बहुत ही स्मार्ट. ये ब्लैक कलर इसका बेस है, और उसमें देखो जैसे बाटिक टाइप इफेक्ट दिया जाता है ना, उस तरह का इसमें बहुत ही स्मार्ट सा इफेक्ट दिया गया है. कॉटन पे है ये भी, और ये इस तरह से आएगा. लाइक आप इसको भी अपने किसी पैंट्स के साथ, किसी भी उसके साथ आप इसको पहनो. ये देखो, ये यहाँ से इस तरह से टाइट होके बहुत ही स्मार्ट लुक देगा. ये देखो, काफ्तान तो वैसे ही बहुत इन है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. सो ये भी हमने रेडी कराए हैं, यू कैन चेक दिस. और ये इसकी इस तरह से ये पूरा लुक आएगी.
देन इसका जो नीचे का पोर्शन है वो पूरा बादाम बूटा की ब्लॉकिंग है उसमें, ये देखो ब्लैक के साथ रस्टिश रेड कलर का पूरा ब्लॉक दिया गया है। सो ये फ्री साइज में है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपका वो है, मतलब इसको तो साइज के अकॉर्डिंगली बुक कराना ना, तो कोई भी इसको बुक करा सकता है। एंड द प्राइस ऑफ दिस काफ्तान इज 1380, शिपिंग इज 100 रुपीज पैन इंडिया। बहुत स्मार्ट सेट है, पक्का ले लो। और इसके साथ आप 3/4 पैंट्स पहनो, कोई भी बॉटम्स पहनो, इस तरह से एंकल लेंथ चूड़ीदार पहनो, ये सभी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। सो इसका प्राइस इज ऑल्सो 1380, शिपिंग इज 100 पैन इंडिया। एक कलर इसमें ये है, द नेक्स्ट कलर इज अ लवली मरून कलर, बहुत स्मार्ट है। सो वो था ब्लैक एंड मरून, और ये वाला है मरून एंड ब्लैक। इसके नीचे आप ये जो देख रहे हो ब्लॉकिंग, ये देखो ये ब्लैक के साथ है पूरी ब्लॉकिंग, इट्स अ वेरी स्मार्ट पीस। ये देखो ऐसे करके, और ये यहाँ से पूरा टाइट हो जाएगा। सबको पता ही है काफ्तान किस तरह से आते हैं, जैसे जब हम लोग छोटे थे ना, तो जो बड़ी लेडीज होती थी वो उस समय घर में बहुत काफ्तान पहनने का ट्रेंड हुआ करता था, आजकल वो भी चीज फैशन में आ गई है। ये देखो इस तरह से इसे आप यहाँ पे टाई कर सकते हो एक नॉट बना के, और ये बहुत स्मार्ट बन जाएगा ऐसे करके। ये है इसकी लुक, बहुत ही स्मार्ट है। ये है ऊपर से इसका मरून है ये, एंड ये नीचे से आएगा ब्लैक। ओके निधि मैम, हेलो निधि मैम, विच साइज आर यू वेयरिंग मैम? मैम मैंने पहना हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो साइज है आपका, आपको उससे एक साइज बड़ा लेना है। सो आपका जो चेस्ट साइज है उसके अकॉर्डिंगली आप एक साइज बड़ा ले सकते हो, मुझे नहीं याद, मैंने पक्का 3XL तो पहना ही हुआ है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लो कि आपकी जो आपका चेस्ट साइज है और आपका जो वेस्ट साइज है, यू गो अकॉर्डिंग टू योर, ये आपके पास जरूर इंच मेजरिंग टेप होगा, सो आप उससे मेजर करके अपनी चेस्ट, अपने वेस्ट और उसके हिसाब से आप बुकिंग करना, ठीक है। नाउ अब हमने ये दिखा दिया आपको ये सारे सेट्स, अब हम आपको अनस्टिच कुर्ताज दिखाएंगे। जैसे हिमांशी ने अभी कहा था कि आप फैब्रिक नहीं लाए, तो फैब्रिक भी ओके सो ये स्पेशली, हाँ ये स्पेशली पल्लवी कुलान है, हमारी वन ऑफ द डियरेस्ट फेमिलिया मेंबर है सारंग की। सो ये कुर्ती हमने उनके उस रिक्वेस्ट पे बनवाई है, शी हैड रिक्वेस्टेड अस कि आप इस तरह का कुछ कुर्ताज बनवा के लाओ। सो मैम दिस इज फॉर यू, बहुत ही स्मार्ट है, ये देखो अनस्टिच्ड फैब्रिक है पूरा। अच्छा फैब्रिक जो है दिस इज 3 meters, बहुत लंबा चौड़ा ये फैब्रिक है, उसके ऊपर हमने ये पूरा मिरर वर्क कराया है। चेक द ब्लॉक्स, देन चेक द मतलब नीटनेस ऑफ द वर्क डन ऑन दिस कुर्ता, बहुत ही प्रिटी है, बहुत ज्यादा सुंदर, ठीक है। ये इस तरह से पूरे कुर्ते पे आएगा, अनस्टिच्ड है, आप इसे अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरह से डिजाइन करा के स्टिच करा सकते हो। यू कैन गो फॉर अ ए लाइन पूरी ड्रेस, 65 mirrors, हाँ जो इसमें लगे हुए मिरर हैं, ये 65 से भी ज्यादा मिरर लगे, मतलब आप सोचो इसके ऊपर जो मेहनत जाती है, कपड़ा पहले कपड़ा हैंड ब्लॉक किया जाता है, उसके बाद मतलब अजरक की हैंड ब्लॉकिंग इटसेल्फ एक बहुत लंबा प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कि 8 बार उसको वॉश किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर इतना नीटली और इतना सुंदर काम किया जाता है। सो आप खुद सोच के देखो द वे दे डू द वर्क एंड द वे एवरीथिंग इज प्लेस्ड, कितनी सुंदर तरीके से इनको पूरा बनाया जाता है। सो ये इंडिगो ब्लू में बहुत ही प्यारा सा पूरा मरून कलर का मिरर वर्क इस तरह से किया गया है, बहुत स्मार्ट पीस है ये, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। सी दिस वेरी वेरी प्रिटी, 3 meters है ये पूरा फैब्रिक, और प्राइसेस 1580, शिपिंग इज 100 रुपीज पैन इंडिया। 1580, जस्ट 1580, इमेजिन 1580 एंड शिपिंग इज 100 रुपीज पैन इंडिया। दिस इज सेट नंबर 1, आप अपना एक स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे। डू यू हैव स्टिच्ड कुर्ती इन दिस डिजाइन? नो मैम, ये सारे अनस्टिच वाले अलग पैटर्न्स बनते हैं, स्टिच वाले अलग बनते हैं, बाद में बनके फिर जो कुर्तीज आएंगी वो कुछ और डिजाइन बन के आएगा। ये हमने अनस्टिच के लिए इसलिए रखवाए थे क्योंकि हमने बहुत सारे मिरर की प्लेसमेंट्स करवाई हैं, और हमें बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप अनस्टिच लेकर आओ, क्योंकि बहुत लोग जो है वो स्टिच नहीं पहन के अनस्टिच ही लेना प्रेफर करते हैं। अच्छा अभी आइवरी जो कि आजकल बहुत इन है, आप उस पे देखो कितना प्रिटी काम है, आइवरी विद इंडिगो एंड ये मस्टर्ड से इसकी ब्लॉकिंग है, और पूरे येलो कलर से उसकी मिरर की प्लेसमेंट की गई है, बहुत ही प्रिटी पीस है। मतलब ये कुर्ता पहना हुआ हो, यू गो फॉर अ कुर्ता, यू गो फॉर अ लॉन्ग ए लाइन ड्रेस, कुछ भी आप बनवा सकते हो, क्योंकि फैब्रिक
3 meters है, आराम से बनेगा। इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि इसकी विड्थ से आपकी स्लीव भी निकल आएंगी। सो आप इसको एज अ ड्रेस, एज अ लॉन्ग कुर्ता किसी भी तरह से बनवाओ। हेलो सुदेश मैम, आपके बिना लाइव अधूरा था, मैं सोची रही थी सुदेश मैम कहाँ रह गई। हेलो मैम, वेलकम टू द लाइव। हेलो चैनिका मैम, वेलकम टू द लाइव। सी चैनिका मैम, आप बहुत ही प्यारे लग रहे थे, आपकी मैंने आज पिक्चर्स देखी आपके बर्थडे की, सो आप बहुत सुंदर लग रहे थे उसमें, ब्लू कलर आपको बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो, वेरी वेरी प्रिटी आइवरी कलर। ओके, दिस इज द फ्रंट पोर्शन एंड दिस इज द बैक। Price is 1580, shipping is 100 rupees, pan India. ये unstitched है, stitched मैं दिखा चुकी हूँ, okay? Now comes the next one, this is a mustard color, beautiful mustard color. ये देखो, mustard के ऊपर पूरा green से किया गया mirror work. Check the work, बहुत ही सुंदर तरह से काम किया गया है, बहुत ही प्यारा. Neatness देखो काम की, बहुत सुंदर. ये देखो. So, जो लोग जो लाइक ऑफिस गर्ल्स जो होते हैं ना, उन लोगों के लिए सारे पीसेस एप्ट हैं। आप इसके साथ कोई भी चूड़ीदार पहनो या इसके साथ आप सलवार पहनो, कुछ भी, दैट इज अप टू यू। कुछ भी इसके साथ प्लेन आप बॉटम पहन लो, और अगर आप दुपट्टा कैरी नहीं करते हो, करते हो तो आप दुपट्टा कैरी साइड में प्लेन कोई कर सकते हो, और अगर नहीं करते हो तो इसको जैसे हाफ कॉलर उस तरह से बैंक कॉलर वाला बनवा के उसके साथ आप इसे ऐसे ही वेयर करके ऑफिस जाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। So this is the next piece. Screenshot जरूर भेजेंगे जब ये booking कराएंगे तो please. Okay? सिर्फ piece number से नहीं, आप screenshot भी send करेंगे. So this is piece number 3. Unstitched section का piece number 3 है ये. ठीक है? 1580, shipping is 100, pan India. Now comes the next one, that is green. Lovely green. 3 meter पूरा क्लॉथ है इसका, एंड उसके ऊपर ये पूरा मिरर वर्क का काम है, बहुत सुंदर प्लेसमेंट की गई है मिरर की। ये देखो, बहुत ही सुंदर, लाजवाब। सी दिस, हर कलर बहुत ही प्रिटी है। ये देखो, मेरे पैरों से भी नीचे तक जा रहा है फैब्रिक, जो है वो बहुत सारा है, आराम से, और इसका बहुत अच्छा यूज करना फैब्रिक का ना। अभी सोचो, मैंने हील्स भी थोड़ी सी पहनी हुई है, अगर मैं फ्लैट्स पहनती तो ये और नीचे जाता। So this is 3 meter fabric के ऊपर पूरा ये इस तरह से काम किया गया है। 1580, shipping is 100 rupees, pan India. Beautiful, beautiful green. Number four. This is number four. Now number five. This is black. Lovely black. इसका block थोड़ा सा different है, बट हमने ध्यान में रख के बहुत बड़े ब्लॉक्स नहीं बनवाए हैं कि आप लोग छोटे ब्लॉक्स पहनना प्रेफर करते हैं। ब्लैक पे मरून कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। सी, इट्स अ लवली लवली ब्लैक, ब्लैक इंडिगो मरून सारे कलर्स इसमें यूज किए गए हैं और बहुत प्रिटी लग रहा है। जो लोग लाइव को ज्वाइन कर चुके हैं, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। मतलब अपने पेज पे करने में तो मैं ऐसे बार बार याद दिला सकती हूँ ना, प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लीज लाइक एंड शेयर। जो लोग भी देख रहे हैं और जो पिन नंबर है उस पे भी एक लाइक बटन प्रेस करेंगे, ठीक है? ये देखो, वेरी वेरी स्मार्ट। 1580, शिपिंग इज 100 रुपीज, पैन इंडिया। बहुत सुंदर मिरर वर्क है, बहुत ही प्यारा, ठीक है? 1580, दिस इज ब्लैक। 1580, शिपिंग इज 100, पैन इंडिया। अब ये आता है ब्लैक में ही, ये दूसरा ब्लॉक आ रहा है, ब्लैक विद मरून है ये एंड इंडिगो। तो वो था फोर, अच्छा वो फाइव था, एंड दिस इज सिक्स। इसके ऊपर क्योंकि मरून की थोड़ी ज्यादा वो है, तो इसपे ब्लैक कलर से पूरा मिरर की प्लेसमेंट है, बहुत स्मार्ट है पीस, वेरी वेरी स्मार्ट। और इसका है 6 नंबर है इसका, लाइक आप जब इसकी स्क्रीनशॉट भी सेंड करोगे साथ में लिखना अनस्टिच कुर्ता नंबर 6, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी बुकिंग ली जाएगी। 1580, शिपिंग इज 100, पैन इंडिया। 3 meter फैब्रिक है ये पूरा। अच्छा, वो अभी जो दिखाया था दैट वॉज मरूनिश, अब मैं ये जो दिखा रही हूँ ये थोड़ा रेडिश साइड पे है, मतलब रेड साइड
पे है इसका जो ब्लॉक है और जो कलर है, ये देखो, ये इसके ऊपर भी ब्लैक ही है. सो दिस इज 7 ना, दिस इज 7. This is piece number 7, unstitched का piece number 7. बहुत प्यारा है. Please share the video, like the video and send the like button on the given number. Mention number जो है मेरा, जो मैंने pin किया हुआ है, उस पर भी एक like button press कर देंगे. Please, humble request. Thank you, Kusum. Thank you so much. एटलीस्ट जो मेहनत करता है आर्टिसन उसके लिए कर दो, मेरे लिए मत करो. उसके लिए तो कर सकते हैं ना, एक ही दिख रहा है मुझे, सिर्फ एक बंदे ने उसको लाइक किया है. चलो कुसुम, तुम सबसे पहले लाइक करो. थैंक यू सो मच. जो पिन नंबर है उसके ऊपर एक लाइक बटन प्रेस करो. कई लोगों को एक्चुअली समझ भी नहीं आता, मुझे उस दिन कोई कह रहा था कि आप ऐसा कहते हो बट मुझे ये समझ ही नहीं आता किसको प्रेस करना है, कौन सा बटन. सभी कलर बहुत सुंदर है. हाँ, तो तुम सारे एक एक ले लेना, ठीक है. 7, दिस इज नंबर 7. 1580, शिपिंग इज 100, पैन इंडिया. 8, दिस इज 8, अगेन आइवरी कलर. पहले आइवरी के साथ येलो था, अब ये आइवरी के साथ ब्लू एंड मरून है. सी दिस, वेरी प्रिटी. जल्दी जल्दी बुकिंग्स भेजेंगे, टाइम नहीं बचेगा फिर. मतलब टाइम मीन्स पीसेस नहीं बचेंगे फिर, सबको सोल्ड आउट कहना पड़ेगा मुझे. दिस इज पीस नंबर 8. दिस इज पीस नंबर 8. पीस नंबर 8. हेलो इला मैम, वेलकम टू द लाइव. थैंक यू सो मच इला मैम. हेलो नीरजा मैम. मैम इफ यू हैव मिरर पैचेस सेपरेटली, विल यू बी एबल टू शो. मैम आज अभी लेकर नहीं बैठे हैं, एक्चुअली स्टफ जो है वो सारा ना वेयर हाउस में होता है, सो हर चीज हमेशा यहाँ अवेलेबल नहीं होती, बट आपको दिखा देंगे. आप एक जो बुकिंग नंबर है ना उस पर एक हेलो भेज देना, सो आपको पैचेस की पिक्चर्स शेयर कर देंगे, ठीक है. ये देखो बहुत ही प्रिटी है ये भी. 8, दिस इज नंबर 8. सो इफ यू विल बुक यू विल राइट अनस्टिच्ड कुर्ता नंबर 8 और फिर इसकी एक स्क्रीनशॉट भी सेंड करना. मैं इसीलिए रुक रुक के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग एक क्लिक कर सकते हो पिक्चर एंड देन वो कर सकते हो, भेज सकते हो. नाउ दिस इज नंबर 9, अगेन अ ब्यूटिफुल मस्टर्ड येलो, बहुत प्यारा. देखो इसके साथ ग्रीन कलर की ब्लॉकिंग है, बहुत सुंदर, वेरी वेरी प्रिटी. सारे ही बहुत सुंदर हैं, मतलब आप कोई भी 2, 3, 4 स्टिच्ड में से, 2 अनस्टिच्ड में से, 2 कोई भी ले सकते हो. किसी को लेके भी ना आपको रिग्रेट नहीं होगा, इतने प्रिटी हैं ये. पिन नंबर लाइक नहीं हो रहा है. अच्छा, ऐसा कैसे, इतनी हिम्मत पिन नंबर की. अनपिन कमेंट, अच्छा मैं तो नहीं कर सकती. कोई और करके देखो कुसुम, देखना करके पिन नंबर लाइक नहीं हो रहा. अभी किसी ने दो लोगों ने और किया है, पता नहीं कैसे किया है, आई डोंट नो. जिस किसी ने भी प्लीज पिन नंबर को लाइक किया है बता दे प्लीज, इनको सुदेश मैम को कैसे उसको लाइक करना है. दिस इज नंबर 8. दिस इज पीस नंबर 8. मैं क्लोजर लुक बार बार दे रही हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम ना हो. ये देखो फ्रंट बैक, वेरी स्मार्ट. नाउ नंबर 9. नंबर 9 इज बॉटल ग्रीन कलर, वेरी वेरी स्मार्ट. बॉटल ग्रीन के ऊपर ब्लैक कलर से पूरा मिरर की प्लेसमेंट है. बॉटल ग्रीन, वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी सटल, बहुत सुंदर. हर पीस अपने आप में बहुत सुंदर है, कोई भी पीस ले लोगे, सारे पीसेस वेरी 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 स्मार्ट. मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन सा अपने लिए रखूं, तो आप लोग खुद सोच सकते हो. ओके, दिस इज 8 नंबर नाइन. ओके, दिस इज पीस नंबर 9 अनस्टिच्ड का, दिस इज पीस नंबर 9, ठीक है. नाउ पीस नंबर 10 इंडिगो ब्लू. पीस नंबर 10,
अजरक की तो मुझे लगता है हम लोग मतलब जैसे बाहर होती है ना, अजरक ही अजरक, अजरक ही अजरक, कितना भी अजरक दिखा लो तो अभी भी लगता है कि अभी कम दिखाया है। और भी मतलब मैं शायद चाहूँ तो रोज एक अजरक का लाइव कर सकती हूँ, इतना स्टफ बन के आता है। अजरक है, शिबोरी है, बांधनी है, देन क्या है, क्लैंप है, और बांधनी विद क्लैंप है, बांधनी विद अजरक है, मतलब नक्शी पल्लू है, हाँ। सो आप लोग सिर्फ बोलो। आइवरी वॉज एट, अंजुदी आइवरी वॉज एट, एक बार देखना। यस मैम, आइवरी वॉज एट, दिस इज 11, पीस नंबर 11, बहुत स्मार्ट है। ब्लू विद मरून, ऑसम, इतना खिल रहा है ना इसके ऊपर जो मिरर वर्क है, बहुत ही प्यारा। और ब्लॉकिंग भी देखो कितनी सुंदर ब्लॉकिंग है, चेक द ब्लॉकिंग, छोटी एंड वेरी वेरी स्मार्ट। मेरे लिए तो तुम ही सिलेक्ट कर लेना कि मेरे पे कौन सा अच्छा लगेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुसुम, एक से बढ़कर एक कलर्स हैं। हाँ ठीक है, मैं सारे एक एक भिजवा देती हूँ। तुम तो इतनी दुबली हो तो तुम तो स्टिच कलेक्शन में से एक जरूर लेना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल एप्ट है। मतलब दुबले होने का ये फायदा होता है, देखो स्मॉल साइज मीडियम साइज वाले जो मर्जी उठा के ले लें। ठीक है, दिस इज पीस नंबर, मेरा सर आ रहा है, 11, दिस इज पीस नंबर 11। ठीक, पीस नंबर 11, नाउ पीस नंबर 12, 11 ही था। चलो स्क्रीनशॉट तो सब ले ही लेंगे, ओके 11 ही था। अब आता है पीस नंबर 12, पीस नंबर 12, तू मीठे घाट का पानी। ब्लू भी अच्छा लग रहा है, हाँ ब्लू भी बहुत सुंदर लग रहा है, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जा, रंग शरबत का तू मीठे घाट का पानी। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर, हर कलर उसके ऊपर जो मिरर की प्लेसमेंट और जो कलर सिलेक्ट किया गया है मिरर की प्लेसमेंट देने के लिए, सब चीजें बहुत बहुत सुंदर है। मतलब ईच एंड एवरी वन, मतलब इतना एक तो ये पॉकेट फ्रेंडली रेंज है, सो हर बंदे को एटलीस्ट दो चीजें लेनी चाहिए। हाँ 1580, शिपिंग इज 100, ये तो जिसे नहीं पता वो रिवाइंड करके या फॉरवर्ड करके या रिकॉर्डेड लाइव में देख लेगा तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये पीसेस मैं दिखा रही हूँ या आप लोगों को लेने हैं, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इन प्राइसेस पे इतनी सुंदर चीजें मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो पक्का अपने लिए जरूर जरूर ग्रैब कर लेना। और मैं एक चीज बार बार ये रिमाइंड करा रही हूँ, जो लोग भी अजरक लेते हैं, जो लोग बाग लेते हैं अजरक स्पेशली जो लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि अजरक की जो ब्लॉकिंग होती है दैट इज टेबल डाइंग, यानी कि टेबल के ऊपर कपड़े को बिछा के टाइंग की जाती है एंड ब्लॉकिंग की जाती है, और जो बाग होता है वो फ्लोर पे बिछा के किया जाता है। सो बाग में परफेक्शन आना आना ही है, क्योंकि वो नीचे रख के की जाती है तो एक एक ब्लॉक को वो देख देख के उस पे प्लेस कर सकते हैं। मगर अजरक में ऐसा नहीं होता है, अजरक क्योंकि टेबल डाइंग होती है, टेबल ब्लॉकिंग होती है, तो एक एक ब्लॉक जब उठ के आता है कपड़े के ऊपर रखा जाता है तो कभी कभी कोई ना कोई छींटा इधर उधर पड़ने से वो स्पिलेज हो जाती है, वो फैल जाता है, और वही उसकी ऑथेंटिसिटी है, वही उसकी सुंदरता है। सो अजरक को कभी भी ये सोच के ना ये सोचें कि उसमें कहीं काला धब्बा है या कहीं छींटे हैं, तो आप कभी आप लोग ये समझो कि वो उसमें कोई डिफेक्ट है, वो उसमें डिफेक्ट नहीं है, वो आप इसे ये भी कह सकते हो कि वो उसके इफेक्ट्स हैं, मतलब जो उसमें दिए गए हैं। सो वो इतने प्रिटी लगते हैं, यू वोंट बिलीव कि बहुत लोग अजरक के कुछ वैसे पीसेस को और कॉस्टलियर प्राइसेस पे बेचते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, वो लोग अजरक के सूट्स एंड साड़ीज को जो स्पिलेज वाले होते हैं उनको वो और ज्यादा महंगा बेचते हैं, बिकॉज उसका रीजन ये है कि बताने के लिए कि आप एक ऑथेंटिक अजरक का पीस पहन रहे हैं। सो चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो, रिमेम्बर कि उसमें स्पिलेज, उसमें छींटे जरूर होंगे, और वही अजरक की खूबसूरती भी है। क्या नाम है, शबाबा मैम, हेलो मैम, वेलकम टू द लाइव। हेलो स्वाति मैम, यस मैम, COD अवेलेबल, आप अपना जो पिन कोड है वो आप इस गिवन नंबर पे
भेजेंगे और सीओडी के आपको क्या रूल्स हैं आपको बता दिए जाएंगे एंड वी कैन सेंड यू वट एवर यू रिक्वायर वी कैन सेंड यू ऑन सीओडी ऑल्सो. ठीक है, सीओडी हम लोग करते हैं. ये देखो पीस नंबर क्या था ये मैं कुछ ही भूल जाती हूँ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is 12. ये था पीस नंबर 12. अब सब हो गए वो वाले हो गए. अच्छा जी अब अच्छा चलो. सो आज के लिए आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना बातें तुम चाहे जितनी. चलो जी अब हम चलते हैं. गला बैठा हुआ है इससे ज्यादा गाया नहीं जाएगा. लेकिन मेरा ना वो ऐसा होता है ना जैसे लोगों का गाना जो है ना वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है. सो वो मैं अपने पेज से ही कर सकती हूँ. आईवा पे मतलब आप उस पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे करो ना तो वहां पे फाइन लग जाता है. हेलो ईशा मैम वेलकम टू द लाइव. प्यारी कलेक्शन प्यारी आवाज. गला बैठा हुआ है. आवाज थोड़ी सी इससे बेटर है लेकिन आज गला बिल्कुल बैठा. मैंने कल भुजोड़ी दिखाया ना उसके बाद मेरा गला बिल्कुल फ्लैट हो गया. मधुर थैंक यू सो मच. चलो फिर अब हम आज चलते हैं. आज के लिए इतना ही. अब मैं ये सोच रही हूँ कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो आएंगे हम अपने पेज से भी लाइव किया करेंगे ताकि लोगों को अपने हमारे पेज से आने की भी आदत हो और यहाँ पे कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ना तो इसलिए आप फ्रीली आप दिखा भी पाते हो बोल भी पाते हो. अदरवाइज वहां तो ऐसा होता है पीस नंबर 1 पीस नंबर 2 मतलब जल्दी जल्दी उसको दिखाना होता है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आप आराम से दिखा. ठीक है सो यू कैन मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो सीओडी मुझे भी चाहिए. ठीक है मैम आप जो पीछे नंबर मेंशन है आप उसके ऊपर आपको सीओडी चाहिए ये पूछ सकते हो. देन आप उसके जो पीस नंबर है वो पूछ सकते हो. सीओडी का क्या रूल है वो आपको बता दिया जाएगा. आपके पिन जो है पिन कोड जो है आपके एरिया का उसके अकॉर्डिंगली देख के आपको सारा कुछ सीओडी का समझा दिया जाएगा. ठीक है सो आप सीओडी भी ले सकते हैं. ठीक है चलो फिर हम चलते हैं फिर मिलेंगे. ठीक है और किसी को कुछ कहना है कि मैं जाऊं. चलते हैं फिर. चलो बाय बाय गुड नाइट टेक केयर लव यू ऑल. थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग सारंग वस्त्र और इसी तरह से अपना प्यार और अपना भरोसा हम पे ऐसे ही बनाए रखें और हम लोग मिलके बहुत लंबी जर्नी आगे तय करेंगे. ठीक है ना और जो लोग भी सारंग फैमिली में फर्स्ट टाइम आए हैं आई वेलकम ऑल ऑफ यू और इसी तरह से आप बाकी लोगों की तरह सारंग फैमिली का पार्ट बन जाएं और आपको मतलब ऐसा हम होप करते हैं कि आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी हमारी फैमिली को ज्वाइन करने में. ठीक है ब्लू वाला बुक कर दीजिए. मैम ये नंबर है 8368549547 इस पे आप अपनी बुकिंग को हेलो भेज के एक आप अपनी बुकिंग सेंड कर दीजिए एंड यू विल गेट द कन्फर्मेशन फ्रॉम देयर. आपको वहां कन्फर्मेशन मिल जाएगी. आपको सीओडी लेना है तो सीओडी के बारे में बता दिया जाएगा. आपने जैसे मैम ने लिखा मैम आपका नाम इस पे कुछ क्या आ रहा है आप अपना नाम मैम प्लीज बताएंगे जो आप ब्लू वाले वाला बुक कर दीजिए कह रहे हैं आपका नाम इस पे आ रहा है लाला जी तो क्या नाम है मैम आपका. एनीवेज सो आप मैम उस पे अब भेज सकते हो. बिंदु प्रदीप मैम गुड नाइट मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. तो ठीक है हम चलते हैं फिर हम मिलेंगे. गजाला ओके हेलो गजाला मैम वेलकम टू द लाइव. सो सब लोगों को बाय बाय टेक केयर गुड नाइट.